तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ये वाला जो टॉपिक है काफी सीरियस है। तो ट्रिगर्ड इंसान कल अपने चैनल में दो वीडियोस अपलोड किए थे रिगार्डिंग हिम एंड हिज रिलेशनशिप विद यूट्यूब। तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बैक स्टोरी दे देता हूँ, शॉर्ट में समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो दो तीन दिन पहले ट्रिगर्ड इंसान अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, वो काफी नॉर्मल वीडियो था एंड वो वीडियो कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस ब्रेक नहीं कर रहा था, बट वो वीडियो में उनको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल गया एंड वो वीडियो रिमूव हो गया यूट्यूब। नाउ रिमेम्बर, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक खाली यूट्यूब देता है जब कोई वीडियो यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस ब्रेक करता है। तो ट्रिगर्ड इंसान गेस किए कि वो एक क्लिप डाले थे एमएमए फाइट सीन का, उसके वजह से शायद हो सकता है कि वो वीडियो रिमूव किया गया हो। बट देन एमएमए इज अ स्पोर्ट, यूट्यूब में आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगे एमएमए के। सो यस, इस चीज के लिए उनको खराब लगा एंड फिर वो अपने फर्स्ट वीडियो में बात किए कि उनको प्रीवियस कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिले थे, वो भी काइंड ऑफ अनफेयर थे। आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं उसका नाम बोलता नहीं हूँ वरना सही में मैं बोलूंगा उस पर भी शायद मेरे चैनल को डिलीट कर दे। अब ये ऐप जो है ये तुम्हें वीडियोस डाउनलोड करने में हेल्प करती है जो कि यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तुम यूट्यूब की वीडियोस डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐसी कोई ऐप को प्रमोट भी नहीं कर सकते। तो मैंने मेरे को ये बात नहीं पता थी, तो मेरे चैनल पे आ गई एक गाइडलाइन स्ट्राइक। वो मेरी पहली गाइडलाइन स्ट्राइक थी मेरे चैनल पे। एक मैंने वीडियो बनाई थी कमलेश सॉल्यूशन, जो मीम फेमस हुआ था, उसमें वीडियो बनाई थी। उस पर तुम अभी भी यूट्यूब पे चले जाओ और सर्च कर लो, तुम्हें लाखों में वीडियो मिल जाएंगी कमलेश सॉल्यूशन में। लेकिन मैंने जो वीडियो डाली वो रिमूव कर दी गई यूट्यूब से, बिकॉज वो गाइडलाइन थी, वायलेशन थी, क्योंकि उसमें एक छोटा बच्चा जो है ड्रग्स वगैरह की बात कर रहा है, जो कि अगेन यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। लेकिन कोई किसी और ने अगर वो वीडियो बनाई होगी, वो यूट्यूब पे है वीडियो, लेकिन वो मैंने बनाई थी इसलिए रिमूव हो गई। यूट्यूब को मुझसे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्यार था मेरी वीडियो स्पेसिफिकली। बट देन यूट्यूब उनका वीडियो को रिस्टोर कर दिया एंड वो थैंक किए थे यूट्यूब इंडिया को। बट गेस व्हाट नेक्स्ट क्या हुआ, उनका वही वाला एग्जैक्ट वीडियो फिर से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के थ्रू टेक डाउन कर दिया गया। इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज डाले थे, आप खुद देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा था। यार आई डोंट नो ऑनेस्टली व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। अभी फिर से ईमेल आया यूट्यूब का कि वो वीडियो फिर से डिलीट कर दिया है बिकॉज इट वायलेटेड गाइडलाइंस। लाइक व्हाट द हेल इज इवन गोइंग ऑन। अभी एक तरफ आई पोस्ट थैंक यू यूट्यूब वाले स्टोरीज एंड ऑल एंड फिर से हटा दी वो वीडियो। व्हाट इज इवन गोइंग ऑन यार, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑनेस्टली। अभी मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। एक बार जब स्ट्राइक हट चुकी है, मतलब पहले आपने लगाई स्ट्राइक फिर हटा दी और फिर लगा दी, क्या हो रहा है ये। अरे भाई एक बात बताओ मेरे को, इस वीडियो को तुमने एक बार रिव्यू करके रीइंस्टेट कर दिया, अब फिर सेम रीजन की वजह से हटा रहे हो। अरे यार जब तुम्हें खुद को ही नहीं पता कि कौन सा कंटेंट वायलेट करता है गाइडलाइन या नहीं करता है, तो तुम मेरे से मजे क्यों ले रहे हो यार। लाइक सीरियसली यूट्यूब को मुझसे कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल प्यार है। मतलब इतना प्यार तो कोई बैठा है भाई यूट्यूब में मेरा स्पेशल चाहने वाला। अब तो मेरे को सच्ची में ऐसा लगने लग गया, कुछ लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे भाई हो सकता है यूट्यूब में ना कोई तुम्हारा बहुत ही स्पेशल प्यार करने वाला बैठा हो। अभी मैं श्योर हो गया हूँ कि सही में कोई ना कोई यूट्यूब में मेरा एक स्पेशल बहुत प्यार करने वाला बैठा है, जिसको मेरे से ज्यादा ही प्यार है कुछ। मतलब छोड़ दो यार, चैन से जी लेने दो, अच्छा खासा मूवी एंजॉय करके आया हूं मैं जोकर, घर आके वापस देखता हूँ, फिर ईमेल आ रखे कि वीडियो फिर हटा दी गई है। और वीडियो हटने से ज्यादा स्ट्राइक मार देते हो कुछ भी यार। फिर उसके बाद वो एक और वीडियो अपलोड के चैनल में हिपोक्रेसी ऑफ यूट्यूब एक्सपोज दे स्ट्राइक माई चैनल वंस अगेन एंड इसमें वो यूट्यूब के हिपोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। तो स्नैप एक ऐसी ऐप है जो यूट्यूब गाइडलाइंस को वायलेट करती है। क्यों? क्योंकि स्नैप आपको, अब मैं बोलूंगा तो फिर से, पर तुम लोगों को तो अब तक तो पता चल ही चुका है, ये क्या करता है वीडियोस डाउनलोड करने में हेल्प करता है जो कि यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है, नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट डे जब वीडियो को अपलोड किए हुए एक दिन हो गया था, मेरे को एक ईमेल आता है कि मेरी वीडियो जो है वो रिमूव कर दी गई है बिकॉज उसमें मैंने इस ऐप का प्रमोशन करा जो कि यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है। एंड आई वाज लाइक शिट यार, गलत हो गया मेरे साथ, मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐप इतनी बुरी है, ये वो। जिसने मेरे को वो ऐड दिलवाई थी उस बंदे से भी मैंने बात करनी बंद कर दी लाइक। लेकिन फिर मैं क्या देखता हूँ, जो मेरे से बड़ा यूट्यूबर है लाइक सब्सक्राइबर्स में ऑलमोस्ट
10 मिलियन से भी ऊपर था एक उस वक्त, मेरे ख्याल से 10 मिलियन हो गए थे उनके, अमित भड़ाना जी, उनकी वीडियो में भी उन्होंने स्नैप की प्रमोशन कर रखी है, उनकी वीडियो थी चैनल पे, आज भी है, इन्होंने अपनी वीडियो में स्नैप की प्रमोशन करी एंड इन्होंने भी वही चीज बोली जो मैंने बोली थी, लेकिन इनकी वीडियो पे गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आई बिकॉज ये इनकी वीडियो है, सिर्फ एक एग्जांपल है। इसके बाद मेरे पर्सनल फेवरेट हर्ष बेनीवाल, उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी स्नैप की, ये वीडियो भी अभी तक इनके चैनल पे, ये भी गाइडलाइन को वायलेट नहीं करती क्योंकि ही इज अ बिग यूट्यूबर एंड आई एम अ स्मॉल यूट्यूबर, और उस वक्त तो और भी ज्यादा स्मॉल था, मेरी वीडियो वायलेट करती है गाइडलाइंस को लेकिन इन दोनों की नहीं करती। हर्ष बेनीवाल एंड अमित भड़ाना दोनों का ही मैं फैन हूँ एंड इनकी तो कोई गलती भी नहीं है, इनको तो पता भी नहीं होगा कि ये वीडियो वायलेट करती है गाइडलाइंस, सिर्फ मेरे साथ नहीं है, कल मैंने जो कमेंट्स आए ना वीडियो में, बहुत कमेंट्स पड़े, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ है, बहुत सारे, लाइक सीरियसली उनके कुछ स्पेसिफिकली 5, 10, 15 क्रिएटर्स है जिनको उनसे प्यार है, बाकी सब क्रिएटर्स दे डोंट इवन मैटर फॉर देम, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें। सो यार, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन, क्या ट्रिगर्ड इंसान के साथ, सही हुआ या गलत हुआ, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियंस बताना। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं बीबी की वाइंस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि बीबी की वाइंस इंडिया में जो NBA मैच होने वाला है उससे पहले नेशनल एंथम गाएंगे एंड जी हाँ, कल वो गाए नेशनल एंथम एंड उनका रिएक्शन ये था, प्रोबेबली द बेस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ सिंगिंग द नेशनल एंथम एट द फर्स्ट एवर NBA गेम्स हैपनिंग इन मुंबई इंडिया, स्पीचलेस एंड फिल्ड विद जॉय, जय हिंद। एंड उसके नीचे किसी ने ये रिप्लाई किया था एंड मैं देख के सोचा दिस इज वेरी वेरी ट्रू, कांग्रेचुलेशंस टू बीबी फॉर दिस ह्यूज अचीवमेंट। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कृष्णा वर्सेस एमिवे के बारे में। तो आपको पता होगा रिसेंटली एमिवे एंड सेलिना शर्मा मिलके एक सॉन्ग अपलोड किए थे। सो रिसेंटली सेलिना शर्मा अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट अपलोड की थी जिसका कैप्शन था शैल आई मेक अ डिस ट्रैक एंड उसके नीचे कृष्णा ये कमेंट किए, हिट मी अप इफ यू नीड अ घोस्ट राइटर, आई मर्डर्ड अ रैपर लास्ट मंथ, यू माइट नो हिम, इनडायरेक्टली एमिवे के बारे में मेंशन करते हुए। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट स्नाइपर ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन एजे गेमिंग ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन कपिल शर्मा ने कंप्लीट कर चुके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली सिख वॉरियर को मिल चुका है उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करने वाले निंजा वर्सेस टीफू के बारे में। तो रिसेंटली टीफू ये ट्वीट किए थे, फोर्टनाइट काइंड ऑफ सक्स नाउ TF हैपेंड, उनको रिप्लाई करते हुए निंजा ये कहे, आई एक्चुअली हैव बीन एंजॉयिंग द गेम रिसेंटली आफ्टर द गॉथम सिटी अपडेट, इफ यू डोंट एंजॉय द गेम स्टॉप प्लेइंग एंड रोस्टिंग इट ऑल द टाइम। सो बेसिकली निंजा टीफू को यही कहे कि अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है फोर्टनाइट तो उनको खेलना बंद कर देना चाहिए इस गेम को, रादर देन ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड रोस्टिंग इट। फिर टीफू इस चीज के बारे में थोड़ा सा बात किए थे अपने लाइव स्ट्रीम में, तो आप खुद सुन सकते हैं उन्होंने क्या कहा। Listen chat, I know there's a Twitter war going on and I don't really care to reply and fucking feed this drama. Ninjas hated me forever. No matter how nice I am to the kid, he's always hated me. So I don't really know what to tell you guys, but I don't really care. तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कीमस्टार वर्सेस H3 प्रोडक्शंस के बारे में। सो रिसेंटली शायद H3 कीमस्टार के बारे में कुछ फनी चीज बोले थे, उनको रिस्पॉन्ड करते हुए वो ट्विटर में ये कहे, H3 स्टिल अ अनफनी हैक, आई वुड बी मोर कंसर्न्ड इफ यू एक्चुअली लाइक माय कंटेंट यामापेट, बाय द वे ही इज एंग्री बिकॉज आई सेड ड्रामा अलर्ट इज ISS फेवरेट न्यूज स्टेशन व्हिच इज प्रीटी फनी लेट्स बी ऑनेस्ट। कीमस्टार उनको रिस्पॉन्ड किया, आई एम नॉट एंग्री, इट्स जस्ट नॉट फनी, यू आर नॉट फनी, द ओनली टाइम यू मेक एनीवन लाफ इज व्हेन यू स्मेयर शेविंग क्रीम all over your face and dance like an idiot, then you get a chuckle here and there or when you steal other comedians bits. H3 likhe, looking forward to Keemstar manically trying to destroy my career for the next year. Keemstar unko respond ke, no need, you've been doing that yourself for years. To in log ke beech mein thoda sa kind of fir se drama start ho chuka hai, jin log ko nahi pata in log ke beech mein already pehle bahut sara drama ho chuka hai and fir se dono twitter mein ek dusre ko respond kar rahe hain, to I don't know aage kya hoga. To chal dosto, aaj ke video ke liye bas itna hi, lekin video end karne se pehle ek request hai, please jaake mere इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, बहुत क्लोज हूँ मैं 40,000 फॉलोअर्स के, जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कर लो एंड 40 के फॉलोअर्स पहुंचा दो यार। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, आज का लाइक हम रखते हैं 28,500 लाइक्स, आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना यार। एंड अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोग के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूँ पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आपको पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले
भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।